प्रचलित बहुत ही फेमस राग केदार, यूजफुल। इस केदार राग की बंदिश छोटा ख्याल मध्य लय तीन ताल का आज बताने वाला हूँ। म्यूजिक यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि बंदिश का बेसिक जानकारी के साथ साथ पूरा बंदिश नोटेशन के साथ बताने वाला हूँ, तान भी रहेगा इंक्लूड, ताकि एग्जाम पर्पज से भी आप तैयारी कर सकें। इसका बहुत ही प्रचलित बंदिश है, बहुत खूबसूरत है, और इसका रियाज करके आप अपनी गायकी डेवलप कर सकते हैं। बंदिश का एक लाइन गुनगुनाता हूँ, फिर नोटेशन के साथ बताऊंगा। निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे निस दिन। ये जो पार्ट आया है ये गजब का इफेक्ट देगा आपकी गायकी। दारे निस दिन पर सत, ये तमाम चीज बताने वाला हूँ। इस राग के स्वरों को हमेशा जहन में आप रख सकते हैं इस दो भजन के जरिए। ये दो भजन बहुत प्रचलित है इस राग के अंदर। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। इस भजन का मैंने वीडियो भी बना के दिया। एक और भजन हमेशा ध्यान में रख सकते हैं, केदार को याद करते हुए, राग केदार को याद करते हुए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। चलिए इस राग को शुरू से लेके अंत तक आरोह अवरोह पकड़ बंदिश पूरा नोटेशन के साथ और तान भी इंक्लूड रहेगा, कमेंट जरूर करेंगे। सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आजकल सभी लोगों को पता है कि रेसिडेंशियल म्यूजिक कॉलेज के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जहां आपकी कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन भेजा है, और आप भी अगर चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। यहाँ पर ऑनलाइन क्लास की भी जानकारी ले सकते हैं मैसेज भेज के, फेस टू फेस क्लास। आइए राग केदार को देखते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कल्याण थाट से निकला हुआ राग है, कल्याण थाट आप लोग जानते हैं मौत तीव्र लगता है, और इस राग में भी तीव्र मौ की खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। शुद्ध मौ का भी प्रयोग है, कभी कभी कोमल नी का भी प्रयोग है। तो कल्याण थाट को जहन में रखें और आगे देखते हैं। सबसे पहले आरोह अवरोह पकड़, मैं सी शार्प से बता रहा हूँ। आपका जो मेन स्केल होगा, जहाँ से आप अपना सा बनाए होंगे, वहाँ से आपको रियाज करना है, क्योंकि क्लासिकल चीज़ है, अपने स्केल में ही रियाज करना चाहिए। आइए देखते हैं, पहले आरोह अवरोह पकड़। Sa ma ma pa dha pa ni dha sa sa ni dha pa ma pa dha pa ma re sa। अब यहाँ आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, मा प मा प ध प मा सा रे सा, या जैसा लिखा हुआ है वैसा करें, मा प ध प मा रे सा। पकड़ के ख्याल से ये नोटेशन गा सकते हैं आप, सा मा मा प ध प मारे सा। इतना करने से भी काम आपका चल रहा है। आइए देखते हैं
अब आगे इसका नोटेशन मैं प्रत्येक लाइन आपको गा के नोटेशन भी सामने लिखा हुआ है, उस अंदाज में आप कर सकते हैं। पहला लाइन का शब्द जो है वो है निश दिन बरसत नैन हमारे, तो उसको कैसे गा सकते हैं? मेलोडी कुछ ऐसा है, निश दिन बरसत नैन हमारे, ये लाइन है, नोटेशन है, मामा रे सा सा रे सा सा मामा मारे पा मा धा पा, तीव्र मौ लग रहा है, निश दिन बरसत नैन हमारे। सेकेंड लाइन है, सदा रहत पावस रे तो हम पर, नोटेशन है, सा सा मा मा पा पा मा पा धनी धा पा मा पा मा मा, सदा रहत पा वस, कोमल नी, सदा रहत पा वस रे तो हम पर। अब आएगा मेन इफेक्ट वाला लाइन, अस्थाई के अंदर लाइन है वो, जब ते श्याम सिधारे, नोटेशन है, जब इसको आप मध्य लय में गाएंगे तो यहाँ का इफेक्ट बहुत जबरदस्त लगेगा, लेकिन स्लो इस पार्ट का तैयारी करेंगे, कैसे आगे दिखाता हूं। इसका नोटेशन है, जब ते ऐसा लिखा हुआ है, मा 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 जब ते पा पा धा पा श्याम सी, उसके बाद ये एक आठ मात्रे के तान के अंदर इसका मेलोडी बनता है, वो तान है, म प ध नि सा रे सा नि ध प म प म म रे सा, इस ये पार्ट दो बार आएगा, स्टेंजा में भी आएगा, तो इसका अलग से रियाज कर लेंगे, म प ध नि सा रे सा नि ध प म प म म रे सा, पूरा रियाज आकार में भी आ, इसमें जो शब्द आते हैं वो ये है, धारे, पूरा धा चलेगा, रे अंत में आता है, धारे, इस वर्ड को लेके एक तरीका से बोल तान कह लीजिए, ये किया गया, पूरा इस लाइन को जब गाएंगे तो ऐसा आएगा, जब ते श्याम सिधारे, जब मध्य लय में पूरे अस्थाई तीन लाइन का था, जब पूरे मध्य लय में थोड़ा लय बढ़ा के जब इस पूरे तीन लाइन को गाएंगे तो ऐसा कम से कम इफेक्ट आना चाहिए, एक बार सुन लीजिए ऊपर से नीचे तक, निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस रे तो हम पर, सदा जब ते श्याम सिधारे, निश दिन, तो इसका यहाँ का जो पार्ट है थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। आइए स्टेंजा देखते हैं, चार लाइन का स्टेंजा है, बहुत खूबसूरत भजन बना के आप गा सकते हैं। जब ते श्याम सिधारे मतलब जब श्याम जी कृष्ण के ऊपर बना हुआ है कि वो जब राधा को उनके गांव को उनके शहर को छोड़ के जब गए थे, उस समय के सिचुएशन पे बना हुआ है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। अंतरा का पहला लाइन है, शब्द है, अंजन थिर न रहत अखियन में, अंजन थिर काजल से इसका ये है अर्थ निकलता है, मेलोडी ऐसा है, अंजन थिर न, अंजन थिर न रहत अखियन में, नोटेशन है, प प प प सा 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 धनी सा रे,
धनी धप, थोड़ा चेंजिंग है, धनी धप अंजन फिर नर हत अखियन में, दोनों नी का प्रयोग है, प प प प सा 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 धनी सारे धनी धप, ये नोटेशन था। अगला लाइन है कर कपोल भय कारे, कर कपोल भय कारे, ऐसा है इसका नोटेशन है, ऊपर का मौ लगता है, कर कपोल भय कारे, कर कपोल भय कारे, नोटेशन है, सा सा तीसरा लाइन है कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू, ये है आंख से आंसू कभी सुख नहीं रहा है, ऐसा भाव है, इस मेलोडी है कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू, नोट है मा मा पा पा धनी धापा मा पा धापा मा मारे सा कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू, ओके लास्ट लाइन है उसमें भी वो इफेक्ट है तान वाला, ये शब्द है उड़ बीची बहत पना, बहत पनारे, ये लाइन शब्द है, नोटेशन है सा सा मा रे पा मा धा पा मा पा धनी सारी सानी धा पा मा पा धनी सारी सानी धा पा मा पा मा मा रे सा पूर बीची बहत पनारे, पूरा बंदिश जब गाएंगे जितना मैंने बताया है अभी नोट में, पूरा बंदिश स्टेंजा का लाइन स्थाई तो दिखाया था, स्टेंजा गाएंगे तो ऐसा इफेक्ट आएगा, अंजन थोड़ा लय में मध्य लय में जब जाएंगे तो ऐसा मेलोडी आना चाहिए, अंजन फिर न रहत अखियन में, अंजन फिर न रहत अखियन में कर कपोल भय कारे कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू, कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू, उड़ बीची बहत पनारे निस दिन बरसत नैन हमारे, इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तान का पार्ट देखते हैं, पांच तान बताता हूँ उसको भी गाना है, कैसे गाना है, आठ आठ मात्रे का पांच तान, चलिए देखते हैं, आठ आठ मात्रे की तान है, पहला तान ऐसा करेंगे सा रे सा सा मा मा रे सा पा पा मा पा मा मा रे सा, आधा लाइन बंदिश का गा के उसके बाद तान सेट करना है, पहले तो हर एक तान का अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी सा सा मा मा रे सा पा पा मा पा, तीव्र मौ लग रहा है, सारी सा सा मा मा रे सा पा पा मा पा मा मा रे सा, आकार में भी करेंगे, पहले तान को फास्ट कर लेंगे, सारी सा सा मा मा रे सा पा पा मा पा मा मा रे सा, और थोड़ा तेज करेंगे, बंदिश में सेट करना है आठ मात्रे के बाद, निस दिन बरसत ऐसे काउंट कर लेंगे, निस दिन बरसत, तो आठ मात्रा बरसत तक पुरता है, उसके बाद तान करना है, जब मध्यलय में लेके आएंगे तो पहला तान कैसे एड करेंगे ऐसा ही हर एक तान को करना है, निस दिन बरसत सारी सा सा मा मा रे सा पा पा मा पा मा मा रे सा निस दिन बरसत निस दिन, और थोड़ा लय बढ़ सकता है, तैयारी की बात है, निस दिन बरसत सारी सा सा मा मा रे सा पा पा मा पा मा मा रे सा निस दिन बरसत आ निस दिन,
इस हिसाब से, ये पहला तान था। सेकंड तान देखें, सा सा मा मा पा पा मा पा, सा सा मा मा पा पा मा पा, धा पा मा पा मा मा रे सा। तेज करेंगे, सा सा मा मा पा पा मा पा, धा पा मा पा मा मा रे सा, सा सा मा मा पा पा मा पा, धा पा मा पा मा मा रे सा। बंदिश में सेट करेंगे, निस दिन बरसत, सा सा मा मा पा पा मा पा, धा पा मा पा मा मा रे सा, निस दिन बरसत, आ सा सा मा मा पा पा मा पा, धा पा मा पा मा मा रे सा, निस दिन। ये समझ। तीसरा तान देखिए, मा मा पा पा धा धा पा पा मा पा, धा पा मा मा रे सा। तान सिंपल है लेकिन रियाज करेंगे तो बड़ी असरदार चीज होगा। मा मा पा पा धा धा पा पा मा पा, धा पा मा मा रे सा। तीज करेंगे, मा मा पा पा धा धा पा पा मा पा, धा पा मा मा रे सा, मा मा पा पा धा धा पा पा मा पा, धा पा मा मा रे सा। सेट करेंगे, निस दिन बरसत, मा मा पा पा धा धा पा पा मा पा, धा पा मा मा रे सा, निस दिन बरसत, आ निस दिन। ओके, तान नंबर चार ऐसा है, मा पा धा नि सा नि धा पा मा पा, धा पा मा मा रे सा, मा पा धा नि सा नि धा पा मा पा, धा पा मा मा रे सा, मा पा धा नि सा नि धा पा मा पा, धा पा मा मा रे सा। निस दिन बरसत, मा पा धा नि सा नि धा पा मा पा, धा पा मा मा रे सा, निस दिन बरसत। लास्ट तान पांचवा तान इस अंदाज में कर लेंगे, मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा पा मा मा रे सा, मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा पा मा मा रे सा, मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा पा मा मा रे सा। ये पाठ था बंदिश के अंदर, उसी को तान बना के कर सकते हैं। निस दिन बरसत, मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा पा मा मा रे सा, निस दिन बरसत, आ निस दिन बरसत, आ निस। तिहाई करेंगे, लास्ट होता है तिहाई करना, उसको ऐसे कर सकते हैं, तीन बार फर्स्ट पार्ट को करके एंड करना है। निस दिन बरसत, निस दिन बरसत, निस दिन बरसत, नैन हमारे, ऐसा एंड कर सकते हैं। ओके, इसका जो सम पॉइंट आता है, निस दिन बरसत, नैन पे सम पॉइंट आता है। तो उम्मीद है ये आपको बहुत मददगार करे होगा आपके लिए। ये बंदिश कमेंट जरूर करेंगे और रियाज भी खूब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।